संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की नाक कटवाने के लिए सुर्खियों में आने वाली स्थायी प्रतिनिधि मलिया लोधी को हटा दिया गया है। उनकी जगह मुनीर अकरम को नियुक्त किया गया है। कुछ दिनों पहले मलिया लोधी ने बोरिस जॉनसन को ब्रिटेन का विदेश मंत्री बता दिया था, जिससे उन्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी और मजाक का पात्र भी बनना पड़ा। इमरान खान की अमेरिका यात्रा के दौरान मलिया ने उनके पीएम और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मुलाकात को लेकर एक फोटो ट्वीट की। इसके फोटो कैप्शन में मलिया लोधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात की। लोधी ने 2017 में संयुक्त राष्ट्र में उस समय भारत की विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज के भाषण का जवाब देने के लिए राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल किया था, जिस पर बाद में पाकिस्तान प्रतिनिधि की तरफ से झूठ फैलाए जाने को लेकर भारत ने उनकी कड़ी फटकार लगाई थी। इसके कुछ देर बाद ही मलिया लोधी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। उन्होंने इसे लेकर एक दूसरा ट्वीट करते हुए पुराने ट्वीट के लिए माफी मांगी और लिखा कि उनसे टाइप करते हुए गलती हो गई।